हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे प्रिज्म एक्स ग्लोबल वेंचर लिमिटेड के बारे में। मैंने इस पर एक और वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने बताया था कि डाउनफॉल हमें कंटिन्यूस देखने को मिलेगा। इसमें 4 से लेकर 5% की हमें गिरावट देखने को मिली। जिसने भी एग्जिट ले लिया होगा वो भी हल्का सा प्रॉफिट में बन रहा होगा। अगर हम बात करें कि अब क्या अपॉर्चुनिटी बनती है स्टॉक के अंदर, क्या अभी हम इसको बाय कर सकते हैं। आज के दिन अगर हम देखें 5% की गिरावट ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिली है। स्टॉक को बाय करने का जो अपॉर्चुनिटी बनता है वो ये है कि स्टॉक ऑलरेडी 3 गुना 52 वीक हाई में जा चुका है, और स्टॉक अगर 52 वीक के लो में गया है तो वो गया है 4.05 का। तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी बनेगी जो मैं आपको साथ आज डिसाइडिंग करूँगा इसके प्राइस चार्ट को देखते हुए, और क्या इसकी डिलीवरी परसेंटेज रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। जो स्टॉक की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप आज के दिन देखें तो वीकली और मंथली से आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं स्टॉक के अंदर, कि आपको अब ये ट्रेडिंग परसेंटेज काफ़ी तगड़ा देखने को मिल रहा है। जो इसके अंदर ऑपरेटर्स की एंट्री है वो बन रही है और निकल रही है। इसके पॉइंट के प्राइस के टैग पर हमें एक एंट्री और एग्जिट देखने को मिल रहा है। हल्का सा अप जाता है, लोग इसको बाय करते हैं, बट जो ऑपरेटर से एग्जिट ले लेता है और इसमें हमें आउटसाइड ट्रेंड भी देखने को मिल जाता है, मीन्स जो डाउनवर्ड का है। अगर हम बात करें स्टॉक में एक डिलीवरी परसेंटेज है वो हमें कहीं ना कहीं 36 लाख की देखने को मिल रही है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है स्टॉक के अंदर, चाहे वो ऑपरेटर्स हों चाहे वो कोई भी हो, बट हमें एक डिलीवरी परसेंटेज इसके अंदर देखने को मिली है जो कि अराउंड 36 लाख की है। अब बात करें स्टॉक में जो हमें बल्क डील्स देखने को मिली थी आज के दिन, उससे पहले आप देख सकते हैं कि प्रिज्म एक्स ग्लोबल का जो जून का क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें हमें 7.25% की वाई ओ वायर क्वार्टर ग्रोथ पे हमें ग्रोथ देखने को मिली थी। सो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट बनता है हमारे लिए। ऊपर को प्रिज्म एक्स ग्लोबल की जो वेंचर की मीटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अराउंड अराउंड अगर आप देखें तो स्टॉक के जो रिजल्ट्स थे वो भी आ गए थे, जो मैंने आपको बता दिया है जून के क्वार्टर के। अब अगर हम बात करें देखिए स्टॉक में क्या हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, चलिए चलते हैं प्राइस चार्ट पर। तो आपको एक चीज़ स्टॉक में समझ में आ रही होगी कि ये इसका सबसे पहला सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट था, देन उसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया, फिर देन हमें अगेन से इसमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला जिसने अगेन से अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक किया है। अगर हम बात करें स्टॉक में जो मेन और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो कहीं ना कहीं बनता है हमारा 4.40 रुपीज़ के आसपास, ये वाला। अगर ये ब्रेक होता है तो स्टॉक में हमें गिरावट कंटिन्यूस देखने को मिल सकती है जो कि अराउंड जा सकती है आपकी 4.20 रुपीज़ तक। सो देखिए ये इंपॉर्टेंट, अगर इस लेवल्स को ये भी ये ब्रेक कर देता है जो कि 4.40 रुपीज़ के आसपास है, अगर उसको ब्रेक करता है तो हमें कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिल सकती है। बट अगर हम हिस्ट्री रिपीटेड सेक्शन से बात करें तो आप देख सकते हैं स्टॉक में अगर गिरावट मिली है तो ये ऑलरेडी अपने लेवल को ब्रेक करता है जिसका प्रीवियस सपोर्ट लेवल होता है, दैनिक हमें अप ट्रेंड दिखाता है, फिर ये दोबारा से नीचे आता है और फिर से एक, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा और उसको फॉल्स ब्रेकआउट दिखाते हुए अपसाइड ट्रेंड दिखाएगा, जिसमें ये रिटेलर्स को फंसाने की एक ट्रिक होती है जिससे कि रिटेलर ये सोचें कि ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो चुका है और अब हमें एक अच्छी खासी सेलिंग कर देनी चाहिए। बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, स्टॉक में अगर वैसा होता है तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। प्रीवियस टारगेट्स जो कि अराउंड आपके 7 रुपीज़ के हैं वो आपको अचीव होते हुए दिखेंगे बहुत ही शॉर्ट टर्म में। अगर आपको ये अचीव होते हुए मिलते हैं तो आपको उस टाइम पर तुरंत ही इसमें सेलिंग कर देनी है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप बुक कर सकते हैं। सो इसमें अपॉर्चुनिटी रहेगी, बस कहीं ना कहीं इसमें रिस्क है कि ये लेवल्स इसमें ब्रेक ना हो, ये ब्रेक होते हैं तो हमें अच्छा खासा गिरावट भी देखने को मिल सकता है।